हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप वन तक कंप्लीट कर चुके थे, अब चलते हैं टाइप टू पर। क्वेश्चन नंबर वन, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को कर सकता है 20 दिनों में और बी कर सकता है 12 दिनों में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 5। आगे क्या बोल रहा है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी एक दिन में 5 काम करता है, उसने 9 दिनों तक काम किया, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 45 काम, शेष रह जाएगा 15 काम। तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 15 काम करेगा ये 5 दिन में। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए एक कार्य 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। तो एक कार्य कर सकता है ए 20 दिन में और बी कर सकता है 30 दिन में, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी 2। फिर क्या बोला है, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वे दोनों उसे छोड़ देते हैं। तो एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं, 7 दिन में कितना काम करेंगे? 35। काम कितना बच जाएगा? 25। अभी शेष कार्य को सी करता है 10 दिन में, तो ये वर्क है और 10 दिन में करता है, यानी टाइम है, तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी किसकी है? सी की, यानी 25/2, ये तो 10, ये होता जाएगा 5/2। तो 5/2 एफिशिएंसी किसकी है? सी की। पूछा क्या है, सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो पूरा कार्य था 60, 60 को डिवाइड करेंगे सी की एफिशिएंसी से, 5/2 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12×5=60, 12×2=24। तो सी इसे 24 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तद अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? तो क्या बोला कि 64 दिनों बाद उसे पता लगा, यानी कि 64 दिनों तक तो 120 व्यक्तियों ने ही काम किया होगा, 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तक काम किया, और कितना काम किया? उसे पता लगा था कि 2/3 काम हो गया, यानी कि 2/3 काम हो गया। फॉर्मूला हो जाएगा MDH/W, तो वर्क नीचे है, वर्क है 2/3 काम पूरा कर लिया। फिर कह रहा है कि तद अनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, तो हम मान लेते हैं कि M लोगों ने काम किया, अब उसके बाद देख लेंगे घटाना है जोड़ना है, कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है? तो निश्चित समय कितना समय दिया था इसने? 124 दिनों में, 64 दिन यहाँ चले गए, कितने बचेंगे अब? 60 दिनों में, 60 दिनों में इसको पूरा काम करना है, 2/3 काम हो गया था, शेष कितना बचेगा? 1/3। तो इसको हमें सोल्व करना है, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो एम निकाल लेंगे यहाँ से, 60×120, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 64 व्यक्तियों ने ये काम पूरा किया है, और व्यक्ति कितने थे पहले? 120, तो कितने हटाए होंगे उसने? 64 माइनस करें तो इसने हटाए होंगे 56, तो 56 व्यक्तियों को इसने हटा दिया, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ए एक कार्य 18 दिनों में, ये 18 दिनों में कार्य कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिनों में, एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, 18×5=90 और 15×6=90, तो ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, बी एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 10 दिन में 60 कार्य करेगा, काम बच जाएगा 30। फिर बोला है ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य 30 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, यानी एक दिन में 5 काम करता है, 30 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते थे और बी और सी मिलकर इसे 16 दिन में पूरा कर सकते थे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 12×48 16×48, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। फिर बोला ए द्वारा 5 दिन, तो ए ने 5 दिन तक काम किया, ये ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, बाद में पुट कर लेंगे। उसके बाद बोला बी ने 7 दिन तक, और बी ने 7 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने 13 दिन में काम पूरा कर दिया, तो 13 दिन में सी ने काम पूरा कर दिया, पूरा काम कितना था? 48। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, तो एक काम करो, इनको ए प्लस बी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा और इसको बी प्लस सी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5A जमा में
पाँच बी जमा में दो बी, सात बी को हमने ऐसे तोड़ दिया और इसको हम लिख सकते हैं दो सी जमा में ग्यारह सी बराबर अड़तालीस। अब यहाँ से पाँच कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी और ए प्लस बी कितना है चार, तो पाँच गुणा चार हो जाएगा। यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो बचेगा बी प्लस सी और बी और सी की एफिशिएंसी तीन है, प्लस में इलेवन सी इज इक्वल टू 48, तो ये हो जाएगा पाँच चौका बीस और ये हो जाएगा दो तीन छः, तो 26, 48 में से 26 माइनस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 11 सी बराबर 22। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दो, यहाँ पर पुट कर दो, सी की एफिशिएंसी कितनी है दो, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी एक, तभी मिलकर तीन होगा, बी की एफिशिएंसी एक है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी तीन, तभी टोटल चार एफिशिएंसी है। पूछा क्या है वो देखो, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, पूरा काम था 48, बी की एफिशिएंसी है एक तो 48 दिन में ही करेगा, ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तीन व्यक्ति एक कार्य छह दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके कार्य शुरू करने के दो दिन बाद तीन अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, तद अनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीन व्यक्ति छह दिन में कोई काम करते हैं, ये टोटल काम हो जाएगा। फिर क्या बोला, उनसे उनके कार्य शुरू करने के दो दिन बाद, यानी कि दो दिन तक तो तीन व्यक्तियों ने ही काम किया होगा, दो दिन तक तीन व्यक्तियों ने काम किया। अब दो दिन बाद तीन व्यक्ति और आ गए, पहले कितने थे तीन, तो अब कितने हो गए छह व्यक्ति, तो छह व्यक्ति शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो डी की वैल्यू में ऐसे निकाल लिया, ये हो जाएगा तीन छः के अठारह और ये हो जाएगा दो तीन छः, तो अठारह में से छः माइनस करेंगे बारह, बारह बराबर छः डी, छः से कैंसिल करेंगे दो, यानी दो दिन में वो पूरा काम कर देंगे, पूरा नहीं शेष काम कर देंगे, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए तथा बी का कार्य मिलकर तीस दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए और बी पूरा काम 30 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया, तद अनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं 30 दिन में, यानी टोटल वर्क है, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, ए प्लस बी इन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी चला गया और ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया, तो 20 ए हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क इसके बराबर था, यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो 20 ए प्लस बी को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई में 10 बराबर 20 ए, इससे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 2 ए, तो बी ए को इस साइड लेके जाएंगे तो 2 ए माइनस ए कितना हो जाएगा ए, यानी ए डिवाइड में बी इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1:1। अब इनकी एफिशिएंसी को या तो यहाँ पर रख देना या यहाँ पर रख देना, टोटल वर्क आ जाएगा, बराबर ही आएगा, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 गुणा दो, तो 60 टोटल वर्क है। पूछा क्या है सेवन में, बी अकेला वह कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी एक थी, 60 दिन में ही करेगा, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर एट, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, एलसीएम हो जाएगा 60, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। फिर क्या बोल रहा है, वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 9 काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे 45, शेष कितना रह जाएगा 15 काम। फिर क्या बोला, फिर बी छोड़ देता है तो ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ए की एफिशिएंसी 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, शेष कार्य 3 दिन में पूरा कर देगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों अकेले काम करके उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी ये दोनों मिलकर उसे 8 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी अकेले, यानी कि बी 12 दिन में कर सकता है, सी भी 12 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी भी 2। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं, देखो बी की एफिशिएंसी 2 है, अगर 2 यहाँ पर रखें तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, तभी मिलकर ये 3 होगा, तो ए और बी कार्य शुरू करते हैं, ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 3 है, एक दिन में 3 काम करते हैं और इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम करेंगे 12 काम करेंगे और 12 ही बच जाएगा यहाँ पर। फिर क्या बोला, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन तक कार्य करता है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में 4 काम करेगा, शेष काम 12 था तो 4 काम बी ने कर दिया, अब काम कितना बच गया 8। उसके बाद क्या बोला है,
और फिर वह भी छोड़ देता है, बीबी काम छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। सी को कितने दिन लगेंगे? तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और काम बच गया था 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 पर। ये 4 दिन में ये शेष काम को पूरा कर देगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक कार्य को क्रमशः, ए करता है 45 दिन में पूरा, बी करता है 40 दिन में पूरा। अगर इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 5 तो कॉमन है, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 360। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9। फिर क्या बोला है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा कर दिया। अब की बार हमें यह नहीं बोला कि ए ने कितने दिन काम किया, उसने कुछ दिन काम किया फिर वो काम करके चला गया, और बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि उसने 23 दिन में कितना काम किया होगा। एक दिन में 9 काम करता है तो 23 दिन में कितना काम किया होगा, ये निकाल लेते हैं। 9 3 27, और 9 2 18, और 2 20, तो 207 काम उसने कर दिया, शेष काम है ये। तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा, इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा 3 5 153। 153 काम ए और बी ने शुरू किया था जिसमें ए काम छोड़कर चला गया, फिर बी ने शेष काम किया जो 207 था। पूछा क्या है, ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, तो ए और बी ने काम कितने दिन में किया होगा ये देख लो, ये हो जाएगा 17। तो 17 नहीं मैं 153, तो 9 दिन बाद उसने काम छोड़ा था, 9 दिन तक तो इन्होंने 7 काम किया। हमने यहाँ से पीछे से इस क्वेश्चन को सोल्व किया, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। क्या बोला था कि ए और बी ने काम शुरू किया तो उन्होंने 9 दिन तक काम किया, काम बच गया 207, तो इसे इस काम बी कर देगा। हमें ये नहीं दिया हुआ था कि 9 दिन बाद छोड़ा, तो हमें निकालना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 40 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा 120। 24 5 120, इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, और इसकी एफिशिएंसी 3 है। पूछा क्या है, उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया किंतु सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी कार्य पूरा होने से पहले कोई काम छोड़कर चला जाता है तो उससे उतने ही दिन का काम करा लो। सी गया था 4 दिन पहले, सी एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12, तो 12 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 132। अब सभी की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दो क्योंकि सभी ने साथ में काम शुरू किया था, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी ये 5 और 4 9 और 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः, ए करता है 16 दिन में पूरा, बी करता है 32 दिन में पूरा, और सी करता है 48 दिन में पूरा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 16 6 96 और 32 3 96 और 48 2 96, ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बोला क्या है, वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो क्या करेंगे? बी से 8 दिन का काम कराएंगे और सी से 6 दिन का काम कराएंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो बी एक दिन में 3 काम करता है और ये 8 दिन पहले गया था, तो 8 3 24 24 काम इसमें जोड़ दो, और सी 6 दिन पहले गया था, सी एक दिन में 2 काम करता है, 6 दिन में 12 काम करेगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 132। सभी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 और 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 12। 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो एक्स 24 दिन में काम कर सकता है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 24 एक्स। फिर क्या बोला है, ये 4 दिन तक काम करता है तो 4 दिन तक एक्स ने इतना काम किया होगा, उसके बाद एक्स के साथ वाई भी आ गया और समस्त काम 16 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि पूरा काम 16 दिन में हो गया था, तो 4 दिन तो एक्स ने काम किया, अब 12 दिन ये टोटल दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा 12x+y। या से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 4x को इस साइड लेके आएंगे तो ये बचेगा 20x बराबर 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x जमा में 12y। 12x को इस साइड लेके आएंगे तो 8x बराबर 12y, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8, 4 3 12, तो x बटा y कितना हो जाएगा? 3 बटा 2, ये इनकी एफिशिएंसी है।
अब अगर यहाँ पर पुट कर दो या फिर यहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू सेम आएगी और वो वर्क होगा। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो 24 गुना 3, अब ये टोटल वर्क था, पूछा क्या है वो देखिए। तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम ये है, वाई कितने दिन में करेगा, वाई की एफिशिएंसी है 2 है, 2 से डिवाइड कर दो 12, और 12 3 36, तो 36 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हों तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कुछ व्यक्ति, हम मान लेते हैं एक्स व्यक्तियों ने 60 दिन में काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60x। यदि 6 व्यक्ति और हों तो काम 20 दिन पहले पूरा हो जाता है, व्यक्ति हैं एक्स, अगर 6 व्यक्ति और हों तो एक्स प्लस में 6 हो जाएगा और कार्य 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा। यहाँ पर बोला कि 60 दिन में पूरा होता है, तो 20 दिन पहले हो जाएगा, इसका मतलब 40 दिन में पूरा हो जाएगा काम। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 6x हो जाएगा, 4 के मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस में 24, 4x को इस साइड लेके आओगे तो 2x बराबर 24, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। पूछा क्या था हमसे, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, तो कार्यरत एक्स व्यक्ति थे 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं, कार्य आरंभ होने के 30 दिन के बाद 2 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी और आ गए, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 12 आदमी 90 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो ये पूरा काम हो जाएगा। फिर बोला कि कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद, यानी कि 30 दिन तक तो 12 व्यक्तियों ने ही काम किया, उसके बाद 30 दिन के बाद 2 व्यक्ति तो चले गए और 8 व्यक्ति आ गए, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति थे 12, 2 चले गए तो कितने बचेंगे, 10, और 8 और आ गए तो कितने हो जाएंगे अब, 18, यानी कि 18 व्यक्ति अब आ गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, डी की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। तो इसको सोल्व करिए, कितना हो जाएगा, 12 निम्न 108, और ये हो जाएगा 12 3 36 360, इसको माइनस करेंगे, साइड आएगा तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा 2 720 हो जाएगा बराबर 18 मल्टीप्लाई में डी, 18 से सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, यानी कि 40, तो 40 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, राम और हरी 12 किलो गिरी 2 दिन में काट सकते हैं, राम और हरी ये 12 किलो गिरी काट सकते हैं, तो एक दिन में कितने काटेंगे, 6 किलो, और एक दिन में किया गया काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी, एक दिन में किया गया काम या एक घंटे में किया गया काम ही एफिशिएंसी कहलाता है, इसका मतलब राम और हरी की एफिशिएंसी 6 है। उसके बाद पढ़ते हैं, 5 दिन बाद हरी काम छोड़ कर चला गया, इसका मतलब 5 दिन तक तो उन दोनों ने ही काम किया होगा, एक दिन में 6 किलो गिरी काटते हैं तो 5 दिन में कितनी काटेंगे, 30, यानी 5 दिन में इन दोनों ने 30 किलो गिरी काट दी। उसके बाद राम शेष गिरी काटने में 8 दिन और लेगा, यदि कुल गिरी 58 किलोग्राम थी, कुल थी 58, 30 इन दोनों ने काट दी, बचेगी कितनी, 28। अब बोला कि जो शेष है यानी कि 28 है, इसको राम 8 दिन में काटता है क्योंकि हरी तो चला गया, तो राम ने 8 दिन में काटा, तो ये राम की एफिशिएंसी हो जाएगी। इसको सोल्व करें तो 4 2 8, 4 7 28, तो 3.5, ये एफिशिएंसी किसकी है, राम की, और दोनों की एफिशिएंसी थी 6। यहाँ से देखो, राम की एफिशिएंसी 3.5 है, तो हरी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2.5, तभी टोटल 6 होगी। आगे पढ़िए क्या बोला है, तो हरी 10 किलोग्राम गिरी काटने में कितना समय लेगा, 10 किलो गिरी काटनी है, किसको काटनी है, हरी को, हरी की एफिशिएंसी 2.5 यानी कि 5/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से कैंसिल कर लो, 2 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 दिन में इसे काट देगा, ऑप्शन 4। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होगे, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रमेश और रहमान किसी काम को क्रम से 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, ये रमेश हो जाएगा, ये कर सकता है 20 दिन में, और ये कौन है, रहमान, ये रहमान हो जाएगा और ये 25 दिन में काम कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 100, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। उसके बाद बोला दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, 10 दिन में कितना काम करेंगे, 90 काम करेंगे, काम कितना बच जाएगा, 10। उसके बाद बोला है, और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और उसके कारण वे काम छोड़ देते हैं, शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है, तो शेष काम कितना, 10, इसको 3 दिन में पूरा करता है, ये वर्क था, ये टाइम है, वर्क अपॉन टाइम होती है एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी है, सुरेश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10/3। आगे बोला है, बताइए सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा,
पूरा काम था सो इस काम को कितने दिन में करेगा, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी सुरेश की है 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 30, तो 30 दिन में ये पूरा काम कर देगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में काम कितना करेंगे 11, 3 दिन में कितना करेंगे 33, कितना काम बच जाएगा 27। उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आता है, देखो बी काम छोड़कर चला गया और उसके 2 दिन बाद आता है, यानी ए ने अकेले 2 दिन तक काम किया होगा, तो ए अकेला 6 काम करता है एक दिन में, 2 दिन में कितना काम करेगा 12, शेष काम था 27, अब इसमें से 12 माइनस कर दो, अब रह गया 15 काम। फिर क्या बोला, 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है, तो 2 दिन बाद कौन आया सी, तो अब कौन करेगा ए और सी काम करेंगे, ए और सी काम करेंगे कितने दिन में 2 दिन में, और काम कितना है 15, ए की एफिशिएंसी हमारे पास है 6, तो 6 जमा में सी, ये हो जाएगा 15/2, तो सी कितना हो जाएगा 15/2 माइनस में 6, 2 6 के 12, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3/2, अब ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास है, टोटल वर्क है, टाइम निकाल सकते हैं, टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे 20, 20 दुनी 40, तो 40 दिन में वो काम पूरा कर देगा, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, ए करता है किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम होता है दिन में 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 45/2, तो ए पूरा काम 45/2 दिन में करता है, और फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर शेष काम कितना हो जाएगा 2/5 तो कर दिया ए, शेष काम रह जाएगा 3/5 और 2 दिन में कर देते हैं, 2 दिन में नहीं 6 दिन में कर देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 2 2 5 10, तो ये दोनों मिलकर पूरा काम 10 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 90, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी वर्क अपॉन में टाइम, तो ये हो जाएगा 4 और इसकी एफिशिएंसी 9। देखो ए की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पर अगर 4 पुट करें तो बी कितना आ जाएगा 5, तभी टोटल 9 होगा। पूछा क्या है हमसे, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरा काम 90 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, ये हो जाएगा 18 दिन में पूरा काम करेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मचारियों का एक समूह एक व्यक्तिगत रूप से काम करता है, तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, पहले दिन एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है और तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, और जब तक कार्य पूरा नहीं होता यह प्रक्रिया चलती रहती है, कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे। इसने क्या बोला कि पहले दिन एक आदमी काम करेगा और अगले दिन एक आदमी और आ गया तो 2 आदमी काम करेंगे, अगले दिन एक व्यक्ति और आ गया तो 3 करेंगे, अगले दिन एक व्यक्ति और आ जाएगा तो 4 व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसे ये चलता जाएगा जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये मानना कि एक व्यक्ति एक मैन एक दिन में एक काम करता है, तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि एक दिन में एक व्यक्ति ने एक काम किया, अगले दिन 2 व्यक्तियों ने 2 काम किया, अगले दिन 3 व्यक्तियों ने 3 काम किया, 4 व्यक्तियों ने 4 काम किया, तो ऐसे ही यहाँ तक हम 9 तक लेके जाएं तो 1 से लेकर 9 तक का जोड़ कितना हो जाएगा, ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 10/2, तो ये हो जाएगा 45, तो 45 काम हो जाएगा यहाँ से 9 दिनों में। और पहले क्या बोला था कि व्यक्तिगत रूप से, यानी कि एक व्यक्ति 50 दिन में 50 काम करेगा, तो हमें काम कितना करवाना है 50, यहाँ से काम कितना हो गया 45, कितने दिन में हो गया 9 दिन में, अब काम कितना रह जाएगा 5, तो अगला दिन तो हमें काउंट करना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही काम कराना हो 10 से नीचे, तो काम कराना है 5, तो अगला दिन भी काउंट होगा, यानी कि 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है, बताइए मूलतः कितने आदमी
काम पर लगाए गए थे। हम मान लेते हैं एक्स व्यक्ति काम पर लगाए गए और ये कर देते हैं 60 दिन में पूरा काम, ये पूरा काम हो जाएगा। फिर क्या बोला, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगाए जाएं, पहले थे एक्स, 8 और आ जाएं तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा और अब काम 10 दिन पहले हो जाएगा, पहले 60 दिन में पूरा होता था तो अब 50 दिन में हो जाएगा 10 दिन पहले। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 तो ये हो जाएगा 6x बराबर 5x प्लस में 40, 5x को इस साइड लेके आएंगे तो x बराबर में 40। एक्स व्यक्ति लगाए गए थे यानी कि 40 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन लगते हैं, ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर 30 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। फिर बोला है उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, ए प्लस बी, इन्होंने 6 दिन तक साथ काम किया और 6 दिन बाद ए चला गया और शेष कार्य बी ने पूरा किया, बी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, 36 दिन में पूरा किया। तो यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 6 को इस साइड लेके आएंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में 6 को इस साइड लेके आएंगे तो ये बचेगा ए प्लस में बी मल्टीप्लाई में 24 बराबर 36 बी। 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 थिया 36, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस में 2b इज इक्वल टू 3b, 2b को इस साइड लेके जाएंगे तो 2a इज इक्वल टू बी, यानी ये हो जाएगा a डिवाइड में b बराबर 1/2। तो a की एफिशिएंसी 1 है, b की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ पर पुट कर दो या फिर यहाँ पर कर दो। तो हम यहाँ पर पुट करें, 2 और 1 3, यानी 3 गुणा में 30, ये टोटल वर्क हो जाएगा। पूछा क्या था, ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 1 है यानी कि ये 90 दिन में ही करेगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी क्रमशः यानी ए कर सकता है 6 दिन में पूरा काम, बी कर सकता है 9 दिन में, सी कर सकता है 18 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा 18, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। क्या बोला, वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं तो एक दिन में वे कितना काम कर देंगे, 6 काम कर देंगे, शेष काम कितना बचेगा 12, और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं तो सी शेष काम को कितने दिन में करेगा, शेष काम 12 है, सी की एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी अकेले किसी काम को, ए करता है 50 दिन में, बी करता है 75 दिन में और सी करता है 20 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, इसमें देखिए तो 5 तो कॉमन है, फिर बचेगा 10, 15 और 4, यहाँ से अगर हम देखें 2 से तो बचेगा 5, 15, 2, 5 कॉमन ले लेंगे तो 3, 1, 3, 2, तो ये हो जाएगा 3, 2, 6, 5, 30 और यानी कि 300 इसका एलसीएम हो जाएगा, 300 एलसीएम होगा। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 75 दुगुना 4, 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15। पूछा क्या है 24 में, वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये 25, 4 दिन में कितना करेंगे 100, कितना काम रह जाएगा 200 काम, और उसके बाद फिर सी काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी 10 है और बचा हुआ काम 200 है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 20 दिन में ये बचा हुआ काम कर देंगे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 6 घंटे तक तो दोनों ने ही काम किया होगा, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, उसके बाद बी ने शेष काम किया 36 घंटे में पूरा, तो यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई में 12 बराबर 36 बी, 12 से कैंसिल कर लेंगे 3 हो जाएगा, बी को इस साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 2b, यानी ए डिवाइड में बी कितना हो जाएगा 2/1, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पर पुट कर दो कितना हो जाएगा 3 × 18। अब ये टोटल वर्क है, पूछा क्या है ए अकेला इसे कितने घंटे में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 थी, 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे 9 × 3 = 27 घंटे में पूरा करेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, अट्ठाईस महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
28 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो चार महिलाएं 18 दिन के बाद गई, यानी कि 18 दिन तक तो 28 महिलाओं ने ये काम किया होगा, और फिर 18 दिन के बाद चार महिलाएं काम छोड़कर चली गई थी। कितनी? 28, चार चली गई तो बचेंगी 24। अब ये 24 महिलाएं शेष काम को कितने दिन में करेंगी, यानी कि डी की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई में 18 बराबर में 24 डी। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौका 24, 6 तीन 18, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21। तो 21 दिन में शेष काम करेंगी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 6 लड़के 12 दिन के बाद, यानी कि 12 दिन तक तो 18 लड़के ही काम करेंगे, और उसके बाद 12 दिन के बाद 6 लड़के काम छोड़कर चले गए तो बचेंगे कितने, 18 थे 6 चले गए बचेंगे 12। तो अब ये 12 लड़के शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसको हमें निकालना है यहाँ से। तो इनको अगर लेफ्ट से लेके आएंगे तो बचेगा 18 गुणा में 12 बराबर 12 डी, 12 से 12 कैंसिल, कितना हो जाएगा 18। तो 18 दिन में शेष काम करेंगे, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने काम शुरू किया, एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो एक्स का मान क्या होगा। 25 व्यक्ति 60 दिनों में कोई काम करते हैं, फिर बोला उन्होंने काम करना शुरू किया, एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, एक्स दिनों के बाद छोड़ा यानी कि एक्स दिनों तक तो 25 व्यक्तियों ने ही काम किया होगा, 25 व्यक्तियों ने एक्स दिनों तक काम किया, और उसके बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, व्यक्ति थे 25, 10 ने काम छोड़ दिया, बचेगा 15, और टोटल काम ये 80 दिन में करना था, 80 में से एक्स दिन तो यहाँ पर यूज हो गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 80 माइनस एक्स, तभी टोटल 80 दिन में काम होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें एक्स निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 छः के 150 यानी कि 1500, ये 25x ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अट्ठे 120 यानी कि 1200, और ये हो जाएगा 15x। 25x माइनस 15x कितना हो जाएगा, 10x, और 1200 को इस साइड लेके आएंगे तो 300 यानी x हो जाएगा यहाँ से 30, ऑप्शन इसका आंसर 30 होना चाहिए, इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखें, इसको ठीक कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, ए बी और सी किसी काम को ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 18 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 36, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। क्या बोला है, उन सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिनों तक तो सभी ने काम किया, और सभी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 27, कितना काम रह जाएगा, 27 काम कर दिया तो काम कितना रह जाएगा, 9। उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो एक ने काम छोड़ दिया, बचे कौन है, बी और सी, अब ये काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी 5 है तो 9/5 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30, दो शिक्षक ए और बी एक शैक्षिक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, और दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तीन शिक्षक हैं ए बी सी, ए अकेला कर सकता है 10 दिन में पूरा, बी कर सकता है 15 दिन में पूरा, और सी कर सकता है 60 दिन में पूरा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 1। फिर क्या बोला था, उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, किसने किया, ए और बी ने, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 10, और इन्होंने 5 दिन तक काम किया क्योंकि 5 दिन बाद तो ए चला गया था, 5 दिन तक तो 7 काम किया, तो 5 दिन में ये 50 काम कर लेंगे, काम रह जाएगा 10। फिर क्या बोला, ए चला गया और दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, तो ए चला गया अब काम कौन करेगा, बी और सी करेगा, और ये एक दिन में 5 काम करते हैं और काम बचा है 10, तो ये 2 दिन में इसको पूरा कर देंगे शेष काम को, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 2 दिन तो इन्होंने काम किया बी और सी ने, और यहाँ पर 5 दिन किया था ए और बी ने, तो टोटल काम हुआ था 5 और 2 7 दिन में पूरा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 31, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है तो बी शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका,
यहाँ पर दो कॉमन है, बचेगा 15 और 8, तो 120 दूनी 240, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 16 एकम 16, 16 पंजे 80 15। क्या बोला था 31 में, ए ने आधा काम कर दिया था, आधा कर दिया था यानी कि 120 कर दिया था, बचेगा अब 120। तो बी से इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 15 है, 15 से डिवाइड कर दो, 15 8 120, यानी कि 8 दिन में सी एस काम कर देगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32, ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 10। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसने छोड़ दिया, उन दोनों नहीं, तो बी और सी एक दिन में काम करते हैं 18 और इन्होंने काम छोड़ा था 3 दिन में, तो 18 3 54, यानी 54 काम इन्होंने कर दिया, शेष कार्य कितना बचेगा, 60 की 6 और 46 और 20 66 काम अब बच गया। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 5 थी, इसको सोल्व कर लेंगे, 13 5 65 बचेगा 1, यानी 13 सही 1/5 दिन में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए कर सकता है 20 दिन में पूरा, बी कर सकता है 25 दिन में पूरा, एलसीएम हो जाएगा 100, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। क्या बोल रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि इन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, एक दिन में 9 काम करते हैं, 5 दिन में 45 काम करेंगे, बच जाएगा काम कितना, 55, शेष काम रह गया। तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 5 थी, शेष काम को ये करेगा 11 दिन में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, ए बी और सी एक कार्य को अकेले, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 18 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इनमें क्या कॉमन है, दो ही कॉमन है, बचेगा ऐसे 12 10 9, दो देखिए तो यहाँ पर बचेगा 6 5 और यहाँ पर 9, 3 से अलग करिए तो 2 5 3, तो 5 3 15 15 2 30 3 90 और 4, यानी कि 360 इसका एलसीएम होगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 18 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20। 34 में क्या बोला, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं और 6 दिनों तक काम करके उसे छोड़ देते हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 38 और इन्होंने काम किया 6 दिन तक, तो 38 गुना 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 8 48, 6 3 18 और 4 22, 228 काम इन्होंने कर दिया, शेष काम कितना बचेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ से हो जाएगा और 30 और 2 32, यानी 132 काम अब शेष रह जाएगा। पूछा क्या, ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा शेष कार्य को, तो ए की एफिशिएंसी 15, 15 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 15 8 120, बचेगा 12 और 15, 3 से कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि 8 सही 300 का 12 3 5 15, 8 सही 4/5, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, ए बी सी अकेले किसी काम को, ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 16 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, यहाँ से दो से देखें तो 10 और ये 8 ये 15, 5 देखें तो 2 3 8, 2 इसके अंदर आ गया, तो 8 3 24 5 120 240, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 एकम 16 16 5 80 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8। तो आगे क्या बोला था, ए और बी ने काम करना आरंभ किया और उन्होंने 4 दिन तक काम किया, ए और बी ने, तो एक दिन में कितना काम करते हैं 27, 4 दिन में कितना काम करेंगे, 6 7 28 2 4 2 8 2 10, 108 काम करेंगे, कितना काम रह जाएगा ये 120 और 12 132 काम अब शेष रह गया। फिर क्या बोल रहा है, तो शेष कार्य सी कितने दिन में करेगा, सी की एफिशिएंसी 8 है, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 एकम 8 बचेगा कितना 5 और 8 6 48, फिर बचेगा 4, यानी कि 16 सही 1/2, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है, 65 दिन के बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा होता है,
अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। 65 दिन के बाद ये पता लगा कि कार्य का 2/5 भाग इसके बाद पूरा होगा। 65 दिन के बाद यानी कि 65 दिन में कितना पूरा हुआ होगा? 3/5। तो 65 दिन में कितना काम पूरा होगा? एमडीएच का फॉर्मूला लगा लेंगे, नीचे फर्क होता है। तो 3/5 पूरा होगा 65 दिन में, और प्रत्येक ने 15 घंटे काम किया, और पुरुष कितने थे? 187 पुरुष। तो 65 दिनों तक तो 187 पुरुषों ने काम किया। उसके बाद हमें बोला था कि अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि अब एम कार्य कर रहे हैं और ये करते हैं 17 घंटे काम, शेष काम कितना रह जाएगा? 2/5, क्योंकि 65 दिन के बाद 2/5 काम पूरा होता है, और कार्य होना था 75 दिन में पूरा। इसने कहा कि निश्चित समय में पूरा होना चाहिए, 75 दिन में इसने ऑर्डर लिया था करने का। तो 65 दिन तो यहाँ पर चले गए, शेष कितने बचेंगे? 10। तो 10 दिन में पूरा होना चाहिए, एम निकाल लेते हैं। 17 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 11 पर, 5 से 5 कैंसिल, और क्या रह गया? 5 से कैंसिल कर लेते हैं 2, और ये 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो 65 × 11 कितना हो जाएगा? 5, 6 और 5 11, 6 और 1 7, 715 व्यक्तियों ने इसे पूरा किया, और व्यक्ति इसके पास थे 187, तो कितने लगाए होंगे? 187 थे, यहाँ पर पूरा किया 715 ने, तो माइनस करें तो ये होगा 8, और ये 2, 6 में से 1 गया तो 5, 528 व्यक्ति इसने और लगाए, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37, राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से 2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि राम कर सकता है, राम करता है 6 से 2/3, यानी कि 3 से 18 और 2 20/3 दिन में, और श्याम करता है 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 15 का 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वर्क अपॉन मेड टाइम, तो ये हो जाएगा 9, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। फिर क्या बोला? उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना काम करते हैं ये? 13। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 13 × 52, शेष कितना रह जाएगा? 8 काम। बोला क्या है? उसके बाद राम छोड़कर चला गया, शेष काम को श्याम कितने दिन में करेगा? श्याम की एफिशिएंसी 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, शेष काम को ये 2 दिन में करेगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38, ए बी सी अकेले किसी काम को, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी करता है 32 दिन में, एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। ये हो जाएगा 24 × 96, 16 × 96 और 32 × 96, ये इनकी एफिशिएंसी है। बोला क्या? यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो ए और सी इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7, यानी एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 42। कितना काम रह जाएगा फिर? 4 और 5, यानी 54 काम अब रह गया। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा? 6 से डिवाइड कर दो, 6 × 9 = 54, यानी कि 9 दिन में पूरा करेगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39, 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 अन्य पुरुष उनके साथ जुड़ गए, शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 25 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला काम शुरू होने के 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और आते हैं, यानी कि 4 दिन तक तो 25 पुरुषों ने ही काम किया होगा, 25 पुरुषों ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद 5 पुरुष और आ गए, पहले थे 25, 5 और आ गए, तो 30 हो जाएंगे। अब ये 30 शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 400 और ये 100 माइनस करेंगे तो 300, 300 = 30D, कितना हो जाएगा? 10, 10 दिन में पूरा करेंगे, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 40, ए किसी काम को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 18 दिन में पूरा, बी कर सकता है 12 दिन में पूरा, एलसीएम कितना हो जाएगा ये? 36। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। पूछा क्या है? यदि दोनों एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में ये 5 काम करेंगे, 6 दिन में कितना करेंगे? 30। कितना काम शेष रह जाएगा? 6। उसके बाद ए काम छोड़ देता तो शेष बी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष 6 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष काम ये 2 दिन में पूरा कर देगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41, ए बी और सी किसी काम को अलग अलग, इनकी ए तो करता है 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में, और सी करता है 54 दिन में, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 18 तो कॉमन है, यहाँ पर बचेगा 1, 2 और 3, यानी कि 2 + 6, तो 18 × 6 कितना हो जाएगा? 108।
18 गुना 6 ये हो जाएगा 108। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसको लिखे 3 गुना में 6, 36 यानी कि 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 54, ये इसका दुगुना यानी कि 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। पूछा क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले 5 दिन और सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो मैंने बताया था जितने दिन पहले काम छोड़े उतने ही दिन का काम करा लो। बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, बी एक दिन में 3 काम करता है, 5 दिन में 15 काम करेगा, तो 15 इसमें जोड़ दो। और सी एक दिन में 2 काम करता है, 10 दिन में कितना करेगा 20, तो 20 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 8 और 5 13, और ये हो जाएगा फिर 1 1 2 और 2 4 1 143, सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 6 और 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 13 दिन में काम पूरा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चौदह व्यक्तियों ने 18 दिन में काम पूरा किया, फिर बोला 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए, यानी कि 5 दिन तक तो 14 व्यक्तियों ने काम किया होगा, 14 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 मजदूर चले गए, तो बचेंगे कितने, 14 थे 6 चले गए 8 बचे, हमारे थे 8 व्यक्ति मजदूरों ने एक्स दिन में ये शेष काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोली है कि कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं, कौन, जो 6 चले गए थे वो अंतिम दिन आ गए। पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 14 गुना में 13, इतना काम बचा है, 13 चौके 52, 13 कम 13 और 5 18, 182 काम बचा है, तो 8 गुना में x। अब ये नहीं है, यहाँ पर एक चीज़ और बोली है, प्लस में इसको लिख लो कि जो एक्सवे दिन है, एक्सवे दिन 6 व्यक्ति आ जाते हैं, तो ये कितना काम करेंगे एक्सवे दिन 6 व्यक्ति, तो ये हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक मैन एक दिन में एक काम करता है, यानी कि वर्क हो जाएगा, तो 6 व्यक्ति एक्सवे दिन की अंतिम दिन तो एक दिन होगा, तो 6 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 ही काम करेंगे, तो 6 इसमें से माइनस कर लो 182 में से, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 176। अब ये काम करना है 8x, कि 8 मजदूरों को x दिनों में, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 22 दिन में, और 22वें दिन 6 व्यक्तियों ने भी काम किया, ये बात आप याद रखना, इसने बोला था कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 22 दिन तो यहाँ पर लगे और 5 दिन यहाँ पर लगे थे, टोटल 27 दिन लगे, ऑप्शन 4। ये टाइप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।